घटनाओं के समीकरण आपको पता है, जैसे हर बच्चा ध्यान देगा कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। टू डी में तीन केसेज होते हैं। पहला केस होता है कि एक रेखा दूसरे की संपाती है, यानी ओवरलैपिंग लाइन। दूसरा है कि एक रेखा दूसरे की पैरेलल। तीसरा है कि इंटरसेक्टिंग। तीन केसेज होते हैं टू डी। एक तल पर अगर दो रेखाएं खींची जाए तो कैसे कैसे खींच सकते हो? या तो भाई पैरेलल खींच लोगे, या तो एक के ऊपर दूसरी रेखा चली जाएगी, राइट, या तो इंटरसेक्टिंग। यही मैं बता रहा हूं। इस तरीके से तीन केस होते हैं। तो आपको सदैव पता है कि भैया इंटरसेप्ट वाई बराबर एक्स प्लस सी जब हम करते हैं तो सी क्या होता है? वाई एक्स पर घटा अंतः खंड, इंटरसेप्ट का वाई एक्स का वाई समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो है। इसको हम वाई बराबर एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे। बी वन वाई बराबर माइनस ए वन एक्स माइनस सी वन, तो वाई बराबर हो गया डेढ़ ए वन अपान बी वन एक्स माइनस सी वन अपान बी वन। अब इसकी कंपेयरिंग करो वाई बराबर एम एक्स प्लस डी डी मान लीजिए या डी वन मान लीजिए, ऐसे स्लोप एम वन मान लीजिए और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या मान लीजिए डी वन। कंपेयर करें डी वन की वैल्यू क्या आएगी? डेढ़ ए वन अपान बी वन और डी वन की वैल्यू आएगी माइनस सी वन अपान बी वन। क्लियर? यस। सेम दूसरी रेखा के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, तो बी टू वाई बराबर फोर माइनस ए टू एक्स माइनस सी टू वाई बराबर माइनस ए टू अपान बी टू एक्स माइनस सी टू अपान बी टू। तो इसका कंपेयर करें वाई बराबर एम टू एक्स प्लस बी टू, तो एम टू की वैल्यू आएगी ए टू अपान बी टू और बी टू की वैल्यू आएगी माइनस सी टू अपान। अब एक एक पर हम चर्चा करते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तीन तीन केस पढ़े होंगे। एक केस पढ़े थे ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक अद्धति हल मिलता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी, यानी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी। दूसरा केस पढ़े थे ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, कोई हल नहीं मिलता था और रेखाएं पैरेलल होती थी, समांतर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मिलता और रेखाएं क्या होती थी? समांतर, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती थी। और तीसरा केस होता था ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू, इस केस में जो है रेखाएं क्या होती थी? ओवरलैपिंग लाइंस हो जाती थी, संपाती रेखाएं हो जाती थी और इस केस में इनफाइनाइट मेन्स अनंत हल होते थे और ये सब ए ए और ये कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत हल होते हैं और इसका इनकंसिस्टेंट यानी। अब हम देखिए ये तीनों पर हम चर्चा एक बार करते हैं, उसको लिखते भी लिख लीजिए। यूनिक सोल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं। हर बच्चे ध्यान देगा, आप सब जानते हो कि अगर रेखा समांतर है तो उनकी स्लोप बराबर होती है, अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है, एम1 बराबर एम2। अगर स्लोप बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्ट कर जाएगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में होता है कि एम1 इज नॉट इक्वल टू एम2, एम1 एम2 के बराबर नहीं है, स्लोप इसकी इक्वल है। ये हो गया माइनस ए वन अपान बी वन इज नॉट इक्वल टू माइनस ए टू अपान बी टू, इसको हम देख सकते हैं ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, यानी कि इस केस में दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक और केवल एक यूनिक एक ही पॉइंट है जो इस रेखा पर भी है इस रेखा पर भी है, तो वही उसका हल हो जाता है। पहला केस ये हो। दूसरा केस जो होता है वो ध्यान समझिएगा, दूसरे केस में क्या होता है जब समांतर की बात करती है। अभी देखिए समांतर ये इसकी मान लीजिए इधर समांतर या इधर समांतर, समांतर की जब बात आती है तो सभी जानते हो कि स्लोप बराबर
क्या होगा? स्लो बराबर, समांतर है तो स्लो बराबर होगा, तो ये मूल बराबर होगा ये M2, इसका मान होगा माइनस A1 बटे B1 इक्वल टू माइनस A2 बटे B2, इसको लिख सकते A1 अपॉन A2 B1 अपॉन A2 लिख सकते माइनस माइनस प्लस हो गया और B1 प्लस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1। इसमें क्या होता है कि जब समांतर होता है ये जो देखिए Y इंटरसेप्ट जो है ये इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है D1 इज नॉट इक्वल टू D2, पैरेलल केस रहेगा तो इंटरसेप्ट उनका अलग अलग रहेगा, यानी देखिए इधर इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट है, दोनों क्या होगा अलग अलग, ये D1 है और ये पूरा D2 है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो D1 की वैल्यू क्या है अभी निकाल लेते हैं, माइनस C1 अपॉन D1 इज नॉट इक्वल टू माइनस C2 अपॉन D2, इसको लिख सकते हैं B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C2। तो आप इससे निष्कर्ष निकाले A1 अपॉन A2 B1 बटे B2 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि स्लोप इक्वल है, नंबर दो केस है जब रेखाएं समांतर हो, लाइंस आर पैरेलल, क्या होगा स्लोप बराबर केस है, निकल गया लेकिन इंटरसेप्ट बराबर होगा नहीं, इसलिए लिखा जाता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1। कर लेंगे तो कांसेप्ट पूरी लाइन का अच्छे से समांतर है, जाहिर सी बात है चीज अलग अलग होगी भाई, अगर ये चीज देखिए यहाँ है दूसरा यहाँ है तो इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाएगा, इंटरसेप्ट इक्वल कब होगा जब ओवरलैपिंग होगी, एक के ऊपर एक रेखा रहेगी, तब क्या होता है कि एक के ऊपर एक रेखा हो जाती है, संपाती रेखा है, संपाती मतलब एक के ऊपर एक और इसी के ऊपर दूसरी, देख लो इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा, इसके अंदर स्लोप तो बराबर ही होगा राइट, और इंटरसेप्ट भी एक सच की धरनी सर समान कोण बना नहीं तो ये मोड़ बराबर तो M2 होगा ही, तो ये रीड A1 बटे B1 बराबर रीड A2 बटे B2 A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इंटरसेप्ट भी बराबर होगा D1 D2 यही है D1 बराबर D2 माइनस C1 बटे B1 बराबर माइनस C2 बटे B2 तो कह सकते हैं B1 बटे B2 बराबर इन दोनों को बराबर कर लो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर, इस केस में इसीलिए क्या कहते हैं तीनों बराबर हो जाते हैं, तीनों बराबर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 साइड कर जाती है, इसका अर्थ है कि हर बिंदु ही दोनों को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात इसके कितने हल होंगे इनफाइनाइट में इस अनंतता अनेक हल होंगे, हर बिंदु ही दोनों पर है, हर बिंदु दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है अनंत हल, ये आपने ये भी कंसिस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हल मिल रहा है, हल मिलता है तो कंसिस्टेंट यानी संगत, इस केस में भी संगत। अब आते हैं लंबवत पैरेलल केस देखते हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रदक्षिण करें, क्या लंबवत, सब जानते हो कि लंबवत होने पर क्या होगा, M1 M2 बराबर कि अगर दो रेखाएं लंबवत हो जाए, मन लगा के समझिएगा आगे बहुत काम देंगे, जैसे ये रेखा है और इस रेखा के लंबवत हो जाए यानी कोण कितना बन जाएगा, इसकी स्लोप अगर M1 है इसकी स्लोप M2 है, पढ़े हो M1 M2 बराबर M1 का मान माइनस A1 बटे B1 M2 का मान माइनस A2 बटे रीड A1 A2 बटे B1 B2 बराबर रीड उधर जाएगी A1 A2 बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर रेखाएं लंबवत होती ही नहीं पड़े थे हम लोग, रेखाएं तब लंबवत होती है जब A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0। जैसे अगर आपसे कोई कहे
तीन एक्स धन चार वाई प्लस दस बराबर जीरो और चार एक्स ऋण तीन वाई प्लस बारह बराबर जीरो। तो रेखाएं क्या है देख के ही बता दोगे कि लंबवत है। देखो चढ़ती है बारह चढ़ती है बारह। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बराबर जीरो। ए वन ए टू क्या है तीन चौक बारह और यहाँ चढ़ती है बारह तो बारह ऋण बारह क्या होगा जीरो। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अगर जीरो है तो रेखाएं क्या होंगी लंबवत।